घटना को लेकर पुलिस के द्वारा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की प्रकृति से खुद पुलिस वाले ही कई बार परेशानी में पड़ जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज नंदगंज थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जब एक व्यक्ति की हत्या गोली मारकर कर दी गई। वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया इसे सड़क दुर्घटना मानकर कार्रवाई करने में लगी रही। इसके बाद ग्रामीण और परिजनों ने सड़क जाम कर दिया था। नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमी कला गांव के पास आज दोपहर में अज्ञात बदमाशों के द्वारा सपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दिया गया, जिसकी जानकारी के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने तत्काल उसे इलाज के लिए सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान पुलिस के द्वारा इस घटना को एक्सीडेंट बताया जाने लगा, जिसके बाद ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो गए और इन लोगों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर कई घंटे तक जाम लगा दिया। इसके बाद कई थानों की पुलिस के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और सड़क जाम खत्म हुआ। थाना नंदगंज पुलिस को ये सूचना मिली थी कि सहेड़ी में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। बहुत स्पष्टता उस समय तक नहीं थी, बाद में ये मालूम हुआ कि गोली मार के हत्या कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि उसी गांव का पूर्व प्रधान और उसके सहयोगियों द्वारा ये हत्या कारित की गई है, और इसमें अभी परिजनों द्वारा तहरीर दी नहीं गई है। जैसे ही देंगे इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर ये तो क्या कर रहे थे? नहीं, परिवार वालों में थोड़ा सा, क्योंकि जो अभी प्रथम दृष्टया यह मालूम पड़ा है कि जो पूर्व प्रधान हैं और जो मृतक हैं ये वर्तमान प्रधान जो हैं उनके चाचा हैं, इन दोनों में पुरानी रंजिश चली आ रही है, पहले भी इन दोनों के बीच में हत्या हुई है। उसी को लेकर परिजनों में ये शंका थी कि कहीं ये भी अफवाह उड़ी थी कि एक्सीडेंट हो गया है, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे एक्सीडेंट मान लिया जाए, लेकिन क्योंकि अब परिवार को विश्वास दिलाया गया है कि इसका पीएम होगा और जो तहरीर वो देंगे और जो विधि सम्मत और सुसंगत धाराएं होंगी उसमें मुकदमा लिखा जाएगा और जो भी इसमें अपराधी होंगे, परिजनों का कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने देखा है, बताएंगे, और जो भी अभियुक्त इसमें आएंगे, परिजन बताएं या संज्ञान में आएंगे, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई। प्रशासन